एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग और आज मैं जा रहा हूँ कुछ एक्सेसरीज परचेज करने के लिए। जब मेरी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत हुई थी तब आई हैड मिनिमल सेटअप एंड मैंने सोचा कि अपग्रेड किया जाए सेटअप को, बिकॉज आप मेरे चैनल को मेरे वीडियोज को इतना सारा प्यार देते हैं तो आपको अच्छी और क्वालिटी वीडियो देना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज मैं जा रहा हूँ कुछ एक्सेसरीज परचेज करने के लिए एंड आई नो ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन परचेज कर सकता था, लेकिन एक चीज़ है जिसमें मुझे टेक्निकली कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आज मेरा शूट नहीं है, मुझे छुट्टी है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर चेक करके लेके आता हूँ सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं और मैं पहले ले लेता हूँ शावर। शावर फ्रेशन अप हो जाता हूँ और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। गाइज मैं सोच रहा हूँ आज बालों को मैं ऐसे ही रखूँ, कुछ जेल या वैक्स अप्लाई ना करूँ, बिकॉज काफी दिनों बाद मेरे बाल शाइनी सॉफ्ट और स्मूथ लग रहे हैं। एंड आप सबको तो बताइए मैं शूट के दौरान काफी सारे हेयर प्रोडक्ट यूज करता हूँ, जैसे कि वैक्स, जेल, स्प्रे, ब्लो ड्रायर एंड एवरीथिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बालों की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई तो डैंड्रफ होने के चांसेस है। सो फॉर दैट आई हैव स्टार्टेड यूजिंग वाउ स्किन साइंस ग्रीन टी एंड टी ट्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू। दिस प्योरीफाइंग एंड क्लेरिफाइंग शैम्पू हेल्प्स टू फाइट डैंड्रफ एंड इची एंड ऑयली स्कैल्प। एंड ये मेरे लिए काफी परफेक्ट है बिकॉज हेयर प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद काफी स्वेटिंग होती है शूट पे, तो स्कैल्प काफी इची और ऑयली हो जाता है। सो ये मेरे लिए काफी यूजफुल है एंड इट ऑल्सो रिफ्रेशेस ग्रीसी हेयर। आफ्टर शैम्पू आई यूज दिस हेयर मास्क फ्रॉम टी ट्री रेंज। नाउ आई अप्लाई दिस हेयर मास्क प्रॉपरली ओवर माई हेयर। वी कीप इट फॉर 10-15 मिनट्स एंड रिंस इट वेल। गाइस ये मेरे बालों को बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है एंड इट्स रियली वाव बिकॉज ये बालों को काफी सॉफ्ट कर देता है और शाइनी भी कर देता है। एंड गाइस मैं बालों को और भी प्रोटेक्ट करने के लिए हेयर ऑयल भी यूज करता हूँ। सो हफ्ते में 2-3 बार मैं चंपी करता हूँ जिससे मेरे बाल प्रोटेक्टेड और हेल्दी रहते हैं। एंड गाइस आई लाइक दिस प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया एंड फ्री ऑफ एनी पैराबेन, सिलिकॉन्स एंड मिनरल ऑयल्स। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारे हेयर टाइप के लिए सुटेबल है। और गाइज यहाँ पर एक QR कोड भी है जिससे आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स आप वाओ की ऐप से इजीली बाय कर सकते हैं। गाइज टी ट्री शैम्पू यूज करने के बाद टी पीने का बड़ा ही मन कर रहा है, तो पहले चाय पीते हैं और फिर सवारी अब निकल चुकी है और आज का मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो चलिए चलते हैं। ट्रैफिक भाई ट्रैफिक। गाइज जब हम घर से निकले थे तब बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं दिखा रहा था एंड जैसे हमने हाईवे टच किया यहाँ पे 20 मिनट कंजेशन दिखा रहा है। और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं फोर्ट और पहले दिखा रहा था कुछ 45 मिनट्स, लेकिन हम दिखा रहे हैं 1 hour and 4 minutes। सो लेट्स सी कि गूगल आंटी जो है हमारी कितने देर में हमें पहुँचाती है फोर्ट। गाइस मार्केट में मेरी रिक्शा अभी चल रही है, राज मेरी रिक्शा है वो, बट मैंने सोचा थोड़ा है ना गर्मी बहुत है तो मैंने सोचा रिक्शा में जाने से अच्छा है गाड़ी लेके निकलता हूँ। तो ठीक है चल रहा है अपना, यहाँ पे भी मार्केट में है रिक्शाएं चल रही है अपनी। गाइज पहले दिखा रहा था यहाँ पे 20 मिनट कंजेशन और अभी हो चुके हैं कुछ 25 मिनट्स और इसके ऊपर 10 मिनट्स और कंजेशन दिखा रहा है। मतलब गूगल आंटी क्या कर रहे हैं आप, हाँ गलत गलत टाइम बता रहे हो हमें। गाइज रोज यहाँ पे ऐसे ही ट्रैफिक लगता है और अभी ट्रैफिक डबल इसलिए हो गया बिकॉज मेट्रो का काम चालू है एंड हाईवे पे डाइवर्जेंस भी काफी है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जो है डबल हो चुका है। एंड अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं हो रही अभी, वेदर क्लाउडी है सो इट्स गुड। हाँ गाइस फाइनली रोड खुल चुका है यहाँ पे एंड बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं दिख रहा अभी आगे। अभी हम सीधा पहुंचेंगे फोर्ट बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ट्रैफिक के, फुल ऑन बटर के जैसा गाड़ी चलेगा। गाइज ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव के बाद मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ एंड जो ट्रैफिक मिला है गाइज हमें हाईवे पे बहुत ही इरिटेटिंग था, मुझे काफी गुस्सा भी आ रहा था, इतना ट्रैफिक मतलब इतना ट्रैफिक।
हाँ, लेकिन जैसे ही रोड्स क्लियर हुए, ट्रैफिक क्लियर हुआ, वैसे ही हमें सीधा हाईवे मिला एंड फटाफट ड्राइव करके हम यहाँ पे पहुँच गए। हम निकले थे 9:40 को और अभी हुआ 11:40, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो चलिए मैं जाता हूँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग करता हूँ एंड मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। गाइज, मैंने रिंग लाइट ली है और रिंग लाइट के साथ कुछ और भी चीज़ें ली है, वो मैं आपको घर जाके बताऊंगा एंड काफ़ी अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद इतनी लॉन्ग ड्राइव हो गई है। तो चलिए मैं चलता हूँ घर और घर जाके अनबॉक्सिंग करूंगा सारी चीज़ों का और आपको दिखाऊंगा कि मैंने और क्या क्या लिया है। सो सी यू गाइज इन सम टाइम। ओके गाइस, तो मैं घर पे आ चुका हूँ एंड आज ड्राइव करके मुझे बहुत ही मजा आया, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव किया। तो ये रही सारी चीजें जो आज मैं लेकर आया हूँ, जो काफी बेसिक चीजें हैं एंड इसमें माइक और कैमरा सेटअप नहीं है बिकॉज वो मैं अपकमिंग मंथ के लिए प्लान कर रहा हूँ। सो फर्स्ट आई हैव दिस मिनी ट्राइपॉड गाइस, ये मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज ये काफी फ्लेक्सीबल है, छोटा है, तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो इसे अपने बैकपैक में कैरी कर सकते हो और काफी हैंडी है गाइस। यहाँ पे कैमरा लगता है और बस वीडियो शूट करना शुरू कर दीजिए, तो मुझे काफी यूजफुल लगा। नेक्स्ट वी हैव दिस, दीज आर दी बैकड्रॉप्स और मैं आपको खोल के दिखाता हूं एक ये। ओए ये तो काफी बड़ा है। तो गाइस ये मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये वाइट है और इसे आप रात को पहन के हाथ में कैंडल लेके भी निकल सकते हो लोगों को डराने के लिए, भूत बन के, तो ये काफी यूजफुल है लोगों को डराने के लिए। So, yes, एक बैकड्रॉप लिया मैंने जो व्हाइट कलर का है और दूसरा मैंने पीले कलर का लिया है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ फोन के। ये ना काफी बड़ा है तो मैं सोच रहा हूँ इसमें से एक टी शर्ट बना लूंगा। तो मैं सोच रहा था कि यू नो फोटोज क्लिक करने के लिए मुझे कुछ बैकड्रॉप चाहिए थे तो ये काम आ जाएंगे मुझे। तो अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक ऐसी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है और वो है ये। Yes, इसमें है रिंग लाइट। गाइस किसी भी वीडियो में लाइट काफी इंपॉर्टेंट होती है, अगर लाइटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वीडियो क्वालिटी भी खराब हो जाएगी एंड देखने वाले को भी मजा नहीं आएगा। सो मुझे काफी टाइम से रिंग लाइट लेनी थी तो फाइनली आज मैंने खरीद ली है, तो मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ। ये रही मेरी रिंग लाइट जो मुझे काफी अरसों से लेनी थी। गाइस ये जो है इसे रिंग लाइट कहते हैं, बहुत ही यूजफुल है, आप इसे अपने वीडियोस में यूज कर सकते हैं, आपकी वीडियो क्वालिटी और भी उभर के आएगी, उभर के आएगी, उभर के आएगी। 3, 2, 1 खराब है क्या? ओ माई बैड। ओके, तो यहाँ पे एक स्विच दी हुई है जिसे आपको ऑन करना होता है। पीछे तक मेन स्विच है लेकिन उसके बाद भी आपको यहाँ से ऑपरेट करके लाइट को बढ़ानी होती है, ऑन करना होता है। और ये रहा, सो 3, 2, 1 एंड देखो चांद आया, चांद नजर आया। वाह, ये काफी ब्राइट है गाइस लाइट। तो ये मुझे काफी यूजफुल लगी और गाइस इसके साथ आपको एक स्टैंड भी आता है, ये रहा उसका स्टैंड। अच्छा था यार, वापस करते हैं। ओके, सो ये सेटअप कर लिया मैंने और यहां पे लगेगा मेरा फोन। तो चलिए गाइस इसे ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगता है। सो 3, 2, 1 टाडा। वाओ गाइस, आई कैन सी द चेंज, काफी चेंज हो गया वीडियो एंड लाइट जो है, प्रॉपर लाइट जो है काफी हेल्पफुल होती है एक वीडियो के लिए। सो आई बॉट दिस एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर मी। और गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा कि माइक और कैमरे का जो सेटअप है मैं आपको अपकमिंग मंथ में प्लान कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर करूंगा। सो या दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Lights off. इतना लेट होता है।